होश भी है वो छोड़े आएगी, वो वचन पे छोड़े आएगी। बाबू का वचन राजा दशरथ का पूरा करना था और सुग्रीव का होश लिया, सीता जी का हरण हो गया और सुग्रीव की पत्नी भाई ने जबरदस्ती खोज ली। वो इधर है दुष्कर, वो है उसका, दोनों बना मैं घूमे, आपस में बात करी, आपस में कहने लगे हाँ भाई मैं जानता हूँ तेरा दर्द के। बोला भाई मैं भी जानू तेरा दर्द के। राम जी की खासियत है, इसीलिए राम जी को सब पूजते कि राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि पहले मेरा काम। बोला पहले तेरा, पहले तेरा। बोला भाई चल पहले तेरा घर बार दिवावे और तेरी पत्नी दिवावे तने। सुग्रीव बोले नहीं प्रभु पहले आपका। बोला नहीं पहले तेरा। बोला जैसी आपकी इच्छा। कहने लगे बोला जा सुग्रीव तू अपने भाई थे बहुत दिन हो गए, उसने सुख बहुत ले लिया, इब तू जा और उस तरुका मार कर उनका दे भाई हिम्मत है तो आजा मेरे ते लड़ ली, मैं तेरे ते लड़ूंगा। बोला ना प्रभु ना ऐसे कहूंगा तो वो तो मन मार देगा। बोला अरे तू जा तो सही मैं छुटवा दूंगा तेना। बोला ठीक है प्रभु। बोला तू के कम है, तू भी तो उसका भाई है, उन्हें दो थपकी मारी। अब थपकी मारते सुग्रीव तो चौड़ा हो गया। इसका मतलब है जब दो पैसे हजार पड़ोसी थपकी मारे तो चौड़ा होगा, अपने घर ने ना बिगाड़े। पड़ोसी का काम है थपकी मारना। भगवान ने सबका खोपड़ा दे रखा, अपने भी दिमाग लगा के करो क्या कर रही। थपकी थप्पड़ में बदल जाती है, इसलिए थपकी से काम ना करे कि न चुबारे पर चढ़ा दिए दो बढ़ाई करके और आप उसके कहने में ही हो गए। ये सबक है, इसे बिना कोई नहीं है। अब सुग्रीव ने जैसे ही सुना मैं के कहूँ, सुग्रीव बोले आ जा चालती आना, ना तो राम जी ते आशीर्वाद लेके गए, ना तो राम जी ते इजाजत लेके गए, ना तो राम का नाम लेके गए। ठाई गदा चाल पड़ा। बोले आ जा हिम्मत है तो लड़ ले। अब बाली बोला ये आवाज तो सुग्रीव की है, इसमें इतना दम कितना आ गया जो मेरे तो बराबरी की टक्कर ली। अब जैसे ही बाली आया गदा लेके, उसको आशीर्वाद था कि सामने देखते या दिशक्ति आ जाएगी। जैसे ही आंखों में आंख मिला या दिशक्ति तो सुग्रीव की बाली मार गई, चार गदा मारी बेहोश हो गया। बेहोश हो गया उन्हें सोची मर गया। जब होश होया उठकर आया लंगड़ा में था। बोला प्रभु मरवा दिया। बोले भाई मैंने कड़ा मरवा दिया। बोले तू नू कहता मैं आ जाऊंगा। बोले फिर तू गया जब तो कह कहे ना गया, पहला बात हुई थी गया जब तू बोला मैं के कम हूं मैं भी जाऊं। तो बोला मैंने सोची लड़ लो। बोला पर तने कही थी आ जा तो तू आया क्यों ना। बोले भाई थारी दोनों भैया की एक सी शक्ल थी, मैंने नुआ ना मेरा फटा बाली कौन सा हर सुग्रीव कौन सा। इसका मतलब शक्ल से नहीं है, इसका मतलब अकल से है कि उसमें तो घमंड था, तेरे में भी उतना है घमंड था तो घमंडी का। बोला क्या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाई। तो बोला अभिमान का और भगवान का बैर है, जहां अभिमान होता है वहां मैं नियत था, तो तू अपने भाई जैसा ही तू घमंडी हो रहा था। अब बेचारा थोड़ी दिन मल्लम पट्टी करी ठीक हो गया। राम जी बोले जा एक बार और। बोला ही बिना जाऊं। बोला ना एक बार और जा। बोला ना फिर भूल के ना मरे जाऊंगा। अरे बोले जा तो सही, कोशिश तो कर, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बोले जय आप आओ तय मैं जाऊं ना तू ना जाऊ। बोला चल ठीक है आ जाऊंगा। जैसे ही चलिया फिर बोला फिर वो जरूर आइयो, आपके बिना तो मैं कुछ नहीं। फिर एक डग धरी। बोला फिर वो जरूर आइयो, आपके बिना तो मैं मर जाऊंगा। राम जी ने देख लिया अब मैं का घमंड नहीं है। राम जी बोला इधर आ। बोला बोला लक्ष्मण एक फूला की माला ले। राम जी ने माला ली सुग्रीव के गल में गाल दी। अब राम जी सुग्रीव बोले भगवान यह माला क्यों डाल दी। राम जी बोले तेरी पहचान करिए, लेकिन असली राज ये नहीं था पहचान। भगवान को किसकी पहचान नहीं है। उसने कहा के सुग्रीव आज इसके कंठ पर सरस्वती माँ बैठी है और ये माला सरस्वती माँ को डाल दी भगवान। उस दिन से ये माला गले में डलने लगी, ना कान में, हाथ में की तो और ना डलती के
आज इसके कंठ पर सरस्वती माँ बैठी है, इसकी मैं नहीं बोल रही है, सरस्वती माँ बोल रही है। उस दिन से ये माला डलनी शुरू। लेकिन भगवान ने मोटी सी भाषा में कह दी, भाई मैंने तेरी पहचान कर दी, पर अंतर्यामी है, सारी बात जानते हैं। लक्ष्मण बोला माला की परादी, बोला सरस्वती माँ आई हुई है, तो इसलिए सरस्वती माँ का स्वागत किया। चले गए। जब फिर दोबारा ललकारा, फिर बाली आया, तो राम जी ने छक्के एक तीर मार, क्यों मार दिया, क्योंकि बाली के पास राजा दशरथ का एक मुकुट जो कि राम जी ने लेना था। राम जी जहां जा रहे सारे काम को निमटते हुए करते हुए जा रहे, किसी काम को छोड़ते। हम क्या करेंगे के पहला वो बोला यो छोड़, चाहे इतना खराब हो जाए, हम काम को समेटना नहीं जानते, हम बखेरना जानते। लेकिन भगवान वन में भी इसी कारण गए थे, जो काम बन के हैं घर वाले वैसे तो जान नहीं देंगे, इस तरीके से जाकर सारे काम करें। अब राजपाट सारा दिवा दिया। जब मरने वो बाली मरने लगा तो कहने लगा, मेरा बेटा अंगद है, इसको प्रभु आप अपनी शरण में रखना, मेरी आखिरी इच्छा यही है। बोले भाई ठीक है। राजपाट सुग्रीव को दिला दिया। अब 3 महीने हो गए राजपाट करते करते, बेचारा बना में लुआ में रहवे था, अब घर में एसी में ठाट बाटते रहवे, भूल गया राम जी को जो वचन दिया था। लक्ष्मण बोला और दिवा ले, सबके मम्मा ने नू कही थी पहले सीता माँ ने ले ले, अगर ना इसका काम करूंगा। बोला देख वो ठाटता रह जाए ना। बोला प्रभु का वह तो मारू जाकर। लक्ष्मण थोड़े गुस्से वाले थे, गुस्से वाले का भगवान का ही रूप है,